hello yes i guess now i am audible okay uh, so uh, we will start again uh, very good evening and uh, so in today's class we are going to discuss the question and answers previous year question answers related to the topics that we discussed yesterday कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था हमने वो मतलब क्या पहले समझा उसके बाद हमने जो वो कैबलरी ये टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं जैसे सिनोनिम uh, एंटोनिम्स हो या चूज अप्रोप्रिएट वर्ड हो या ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर हो या स्पेलिंग करेक्शन हो तो ये सारे टॉपिक्स में करना क्या होता है एग्जैक्टली exactly, वो हमने देखा और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ये सारा तो हो गया अब हमें क्या करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स इनके देखने हैं कि क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन कौन से टाइप में कल हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि प्रीवियस टेन इयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये सारे टॉपिक्स के रिलेटेड और उनके आंसर्स क्या थे और हम देखेंगे कि यही आंसर क्यों सिलेक्ट किया गया ओके okay? तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके okay. तो सबसे पहले स्ट्रीमिंग चालू है बरा स्ट्रीमिंग चालू है okay so i'm extremely sorry for the uh, network issue from my side we will resume our lecture so what we were discussing was हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं तो अब आप देखिए इसमें क्या पूछा गया है Despite a string of poor performances, the chances of KL Rahul selection in the team are dash. Okay, ये question uh, ट्वेंटी 2020 मतलब पिछले साल ही पूछा गया था हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस टेन ईयर्स में पूछे गए हैं ओके अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि uh, हमें फिलिंग द ब्लैंक अब यहां पे क्या करना है अब इन्होंने अब स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि करना क्या है तो ये क्वेश्चन या तो आप इसको अप्रोप्रिएट वर्ड बोल सकते हो या ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर ओके ये इसमें ये वाले टाइप का ये क्वेश्चन है अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है फिर भी हमने कल हमारी क्लास में मेंशन किया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया गया हो तो भी हम हमारे क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि क्या है आंसर ओके okay? तो यस, आई कैन सी वन आंसर एज सी कविता नो द आंसर कैन नॉट बी सी नाउ वी विल डिस्कस व्हाई इट कैन नॉट बी सी तो हमारा आंसर जो है दैट इज बी दैट इज ब्राइट अब क्वेश्चन ठीक से पढ़िए ओके सो डिस्पाइट अ स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस बहुत पुअर परफॉर्मेंस होने के बावजूद एल राहुल का सिलेक्शन टीम में जो सिलेक्शन है वो जो होना है वो बहुत ज्यादा क्या है ब्राइट दिख रहा है ऑब्वियस नहीं आएगा ऑब्वियस का मीनिंग होता है जो आपको श्योर sure पता है विच इज ऑब्वियस यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस बट यर इट इज नॉट ऑब्वियस वी आर नॉट सो श्योर क्योंकि उसका परफॉर्मेंस जो कि प्रीवियस मैचेस में है वो बहुत ही पुअर रहा है फिर भी तो यहाँ पे डिस्पाइट जो वर्ड दिया है उस पर फोकस कीजिए आप सो तो डिस्पाइट उसका परफॉर्मेंस इतना तो डिस्पाइट मतलब क्या बावजूद ओके तो इतना परफॉर्मेंस खराब होने के बाद भी उसका सिलेक्शन क्या लग रहा है आपको क्या होगा ब्राइट हो सकता है ओके सो यस यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप था द आंसर कुड बीन ऑब्वियस बट इट इज नॉट क्योंकि हमारा आंसर क्या है ब्राइट है ओके okay? तो so ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन yes. so अब हम सेकंड क्वेश्चन यस सो अब सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं

शी हैज़ अ शार्प टंग शार्प टंग यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं लेना है उसकी टंग बहुत शार्प है मतलब वो बहुत ही रूडली बात करती है ओके ये मीनिंग है इसका तो इसका जो हिडन मीनिंग है ये सार्केस्टिक जो मीनिंग छुपा हुआ मीनिंग जो है हिडन मीनिंग जो है ये फ्रेज का वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे तो आपको क्या करना है शी हैज़ अ शार्प टंग एंड इट कैन ओकेजनली टर्न ओकेजनली मतलब शार्प टंग उसकी होने के कारण वो ओकेजनली ओकेजन occasion, कभी कभार ओके ओकेजनली मतलब कभी कभार इट टर्न अब क्या हो सकता है इसमें से ऑप्शन हर्टफुल मतलब वो किसी को हर्ट कर सकती है यस yes. लेफ्ट नहीं इसका कुछ सेंस नहीं बनता मेथोडिकल नहीं वाइटल नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है हर्टफुल मतलब उसकी शार्प टंग होने की वजह से वो कभी कभी किसी को हर्ट कर सकती है ओके okay? तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड uh, क्वेश्चन क्या कहता है इंस्पाइट ऑफ बींग रिपीटेडली ही फेल्ड टू करेक्ट हिज डैश बिहेवियर अब उसका कुछ तो बिहेवियर था जो बदलने के लिए कहा गया था बार बार और कहा गया था फिर भी वो बदल नहीं पाया है ये हमें बताया है okay so now tell me can you see the screen as well as uh, my uh, can you hear my voice is it working smoothly now just check and let me know so that we can uh, proceed Okay, okay. Okay, okay. Yes, wait a second. I'll do something. Okay, now just check and let me know. I have tried a lot from my side. I hope you can see my screen as well as uh, my voice is also audible now. Do let me know. Can you see the uh, question number two now? Okay uh, now I hope that there won't be any disturbance in the class. Uh, so uh, let's begin, let's discuss the question number two again okay I'm extremely sorry it was from my side. Uh, now uh, we will continue with our today's session. So uh, the second question says that she has a sharp tongue and it can occasionally. टैश सो टर्न हर्टफुल वॉट वी डिस्कस्ड एज हर्टफुल वाई क्योंकि हर्टफुल मतलब वो कभी कभी किसी को हर्ट करती है ये हमें कहना था इसीलिए उसकी शार्क टंग होने की वजह शार्प टंग मतलब यहाँ पे लिटरल uh, मीनिंग नहीं लेना है यहाँ पे वो रूढ़ बात करती है ऐसे कहा गया है इसीलिए शार्प टंग है। तो अगर वो रूडली बात करती है तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो किसी को हर्ट कर सकती है ओके okay? इसीलिए हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए दैट इज हर्टफुल ओके नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है स्पाइट ऑफ बींग रिपीटेडली ही फेल्ड टू करेक्ट डैश बिहेवियर मतलब क्या है स्पाइट ऑफ स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद मतलब अब बहुत बार उसको एक इंसान है उसको बहुत बार बताया गया है रिपीटेडली बताया गया है लेकिन फिर भी वो उसका कुछ तो उसका बिहेवियर है जो वो चेंज नहीं कर रहा है अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि उसका ऐसा कौन सा बिहेवियर है तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है द वर्ड

इसका मीनिंग सेम है कि आपको ऑप्शन जो बेस्ट सुटेबल है ये पूरा सेंटेंस के लिए वही हमें पहचानना है बट ये थोड़ा सा ट्रिकी और अलग वे में आपको बताया गया है बस आप कंफ्यूज मत होना करना आपको वही है तो आप चारों आपके ऑप्शंस पढ़िए रैशनल रीजनेबल देन एरान एंड गुड ओके तो अब पहली चीज तो रैशनल मतलब क्या होता है कि आ, न, आ, सब चीज़ें जो बायस्ड होता है वो उसको रैशनल कहते हैं तो अगर रैशनल होगा मतलब सब चीज़ें बायस्ड होंगी मतलब आ, सब बैलेंस की हुई होंगे अगर बैलेंस बिहेवियर होगा तो फिर चेंज करने के लिए उसको क्यों कोई कहेगा राइट तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता रीजनेबल भी अगर होगा रीजन reason, रीजनेबल uh, है तो ये भी पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है मतलब ये भी कोई किसी को चेंज करने के लिए क्यों कहेगा मतलब ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया अब नेक्स्ट क्या है तो है। अब ईरान्ट का मतलब क्या होता है वो हमें पहचानना है अब स्टूडेंट्स एरान्ट का मतलब होता है बिहेविंग बैडली ओके okay? खराब बिहेवियर जिसे बोलते हैं तो अब अगर गुड बिहेवियर होगा तो भी कोई चेंज करने क्यों कहेगा अगर बैड बिहेवियर होगा खराब बिहेव कर रहे होंगे तो जरूर चेंज करने के लिए कह सकते हैं तो हमें हमारा आंसर क्या मिला एज सी ओके okay? इसीलिए अब आ, हमने कौन सा आंसर तो इस तरह से आपको क्या करना है आपको पहले ऑप्शंस के मीनिंग अच्छे से समझना है पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बार आपको क्वेश्चन में क्या करना है समझ गया तो आप ऑप्शंस पे जाइए ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए अब ये सारे वर्ड्स जो है ना स्टूडेंट्स इसको आप कैसे सुधार सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया या मैं डे वन से आपको बता रही हूँ ये सुधारने के लिए एक ही जो आप कर सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा रीडिंग जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे इंग्लिश रिलेटेड तो आपके ये सारे आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और फिर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे ओके okay? तो ये इतने हार्ड या डिफिकल्ट तो नहीं है फिर भी दैट वाज जस्ट अ टिप टू तो रिमेंबर अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कहता है द अनरूली क्राउड डिमांडेड दैट द अक्यूज बी डैश विदाउट ट्रायल मतलब यहाँ क्या करना है तो अब क्या कहते हैं अनरूली क्राउड अब ये जो क्राउड है ये क्राउड क्या कहती है डिमांडेड उन्होंने क्या मांग की That the accused. मतलब जो भी हमारे आरोपी होंगे वो तो आरोपी को क्या किया जाए डैश किया जाए विदाउट ट्रायल मतलब कोई भी ट्रायल दिए बिना कोई भी चांस दिए बिना उनको कुछ तो करना है ओके okay? मतलब उनको कुछ तो ऐसी सजा देनी है तो अब आपके पढ़िए आपके ये ऑप्शंस पढ़िए हैंग, हैंगिंग हैंकरिंग और हंग अब ये आपके चार ऑप्शंस है तो अब ये डिमांडेड अब यहाँ पे ईडी डी लगाए मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है ये आपको पता चल गया ओके मतलब अब हैंकरिंग ये नहीं होगा आप क्या कर सकते हैं जो भी आपके आरोपी है उनको क्या डिमांड कर सकते ये अनरूली क्राउड कि उनको हैंग कर दे हैंग मतलब फांसी दे दे हैंग का मतलब फांसी देना होता है तो अब डिमांडेड है पास टेंस में तो आपका जो वर्ब होगा वो भी पास टेंस में होना चाहिए तो हैंगिंग नहीं आएगा अब हैंग्ड आया और हंग आया ओके तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है सिंपल पैंग ओके तो द अनरूली क्राउड डिमांडेड दैट द अक्यूज्ड बी हैंग्ड विदाउट ट्रायल ओके मतलब हमें हमारा आंसर क्या मिला एज ए हैंड सो वॉट इज द आंसर आंसर इज ए ओके डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ

तो ये जो है ये स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है ओके नाउ अब जो गिफ्ट अब इसमें क्या होगा तो जो हमारे प्रिंसिपल है प्रिंसिपल जी ने क्या किया है तो जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको कुछ तो गिफ्ट के तौर पे दिया है एज टोकन ऑफ अप्रीसी कि वो यहाँ आए उनके लिए अप्रिसिएशन के रूप में उनको कुछ तो गिफ्ट के स्वरूप में दिया है तो उसको क्या कहते हैं वो क्या वर्ड होता है वो जो वर्ड होता है ना वो होता है मेमेंटो ओके मेमेंटो बोलते हैं उसको तो मोमेंटो होता है जो एक वर्ड दिया आपको मोमेंटो उसके बाद एक वर्ड है मोमेंटम उसके बाद है एक मोमेंट ये जो मोमेंट होता है ये मतलब तो आ, जो मोमेंट जो अभी का प्रेजेंट जो कुछ भी मोमेंट है उसको कहते हैं फिर मोमेंटो जो होता है ये गलत स्पेलिंग है मेमेंटो की ओके ये जो है इसका मतलब होता है गिफ्ट या फिर प्रेजेंट जो हम आज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं किसी को भी ताकि वो याद रखे और वो वो चीज़ अपने पास संभाल के रख सके इसलिए जो गिफ्ट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं मेमेंटो कहते हैं तो इस तरह से आपको अब करेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए अब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फर्स्ट पहले दो में या तो वो एम ओ एम ई एन टी ओ हो सकता है या फिर एम ई एम ई एन टी ओ हो सकता है तो करेक्ट आंसर क्या है एम ई एम ई एन टी ओ Okay, that is your correct answer. Now we will move ahead with our sixth question. Let's read the question. So choose the appropriate word or phrase out of the four options given below to complete the following sentence. अब आपको क्या करना है तो यहाँ पे पूरा sentence actually दिया ही नहीं है हमें. अब यहाँ पे क्या पूछा है frogs और आपको ऑप्शन दिए है क्रॉक रोर हिस या फिर पैटर तो अब रोर कौन करता है फ्रॉग्स की आवाज को क्या कहते हैं तो फ्रॉग्स जो है वो क्या करते हैं क्रॉक करते हैं तो फ्रॉग्स की जो आवाज होती है वॉइस बाय फ्रॉग्स ओके तो उसको क्रोक कहते हैं रोर कौन करता है रोर लायंस रोर करते हैं हिस कौन करता है हिस स्नेक्स हिस करते हैं ओके okay? इसीलिए फ्रॉग्स क्या करते हैं तो फ्रॉग्स क्रोक करते हैं तो इस तरह से हमें हमारा आंसर क्या मिला एज क्रोक ओके दैट इज करेक्ट आंसर अब इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है या कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें बस आपको पता लगाना था कि फ्रॉग्स मतलब इसमें से कुछ तो एक्शन प्ले होती है फ्रॉग से रिलेटेड जो कि है उन वो कौन सी आवाज़ निकालते हैं या जो फ्रॉग्स आवाज़ निकालते हैं उनको क्या कहते हैं राइट सो इसलिए हमने क्या आंसर चूज किया एज क्रोक क्योंकि फ्रॉक्स की आवाज को क्रोक कहते हैं सो दैट वाज फॉर द सिक्स क्वेश्चन अब हम सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ठीक है तो ये मतलब अब इस ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये सिनोनिम टाइप का क्वेश्चन है ओके okay? अब एडियूज एड का मतलब क्या होता है एड्यूज का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट तो ये अब आपको पता होना बहुत जरूरी है एडियूज का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब कोई भी जो कॉन्टेंट uh, होता है उसका कोई भी एक पार्ट उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं ओके विच इज गिविंग टू यू सो पैसेज में भी पूछा जा सकता है पैसेजिस में मोस्टली ये यूज होता है या बहुत सारे पैरिग्राफ्स दिए हों सो एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका उसे ड्यूज भी कहते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है दैट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दिवस असरिंग फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस डैश अब क्या है एक जो इंसान अलजाइमर डिजीज का मरीज होता है जो भी उसको क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वो क्या करता है वो एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस करता है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो जब वो शॉर्ट तो ये सेंटेंस पूरा होने के लिए आप ये एक्सपीरियंस का कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे वो देखना है नाउ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वोकेबलरी एज वेल एज टेंसेस ओके जो ग्रामर पार्ट होता है हमारा टेंसेस क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस पढ़ोगे तो एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस कर चुका है हैज एक्सपीरियंस्ड ये भी उसने एक्सपीरियंस कर लिया है इज एक्सपीरियंसिंग वो ex, आ, हमेशा एक्सपीरियंस कर रहा है अभी कर रहा है या एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंस करता है अब हमें क्या चाहिए सेंटेंस में एक्सपीरियंस करता है जो कि हम जनरल टर्म बता रहे हैं ना यहाँ पे हम हम क्या बात कर रहे हैं जनरली बात कर रहे हैं हम कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं इसीलिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपीरियंसेस मतलब वो हमेशा एक्सपीरियंस करता ही है ये सिंपल टर्म सिंपल वर्ड है राइट right? Okay, is it happening again? Wait a second. Okay, okay, wait, wait a second. अब चेक कीजिए Just give me the confirmation that you are able to see the screen. Okay. So uh, let's begin. Uh, so what I was discussing. So this is our particular question, which says that the person suffering from Alzheimer's disease, short term memory loss dash. Okay. Means he experienced. Now uh, we have to fill the uh, perfect verb form of this. वर्क एक्सपीरियंस ओके जैसे हमने डिस्कस किया कि वो पहले तो नहीं हुआ था राइट right? मतलब एक्सपीरियंस uh, पास में तो नहीं हुआ था हम जनरल टर्म में मैंशन कर रहे इसीलिए हमने हमारा आंसर क्या सिलेक्ट किया एक्सपीरियंसेस ओके okay? अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है महात्मा गांधी वॉज नोन फॉर हिज ह्यूमिलिटी एज और हमारे ऑप्शन है ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमिलिएटिंग एग्जिट ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया या ही वर्कड ऑन ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस नहीं उसके बाद ही डिस्प्लेड मॉडेस्टी इन हिज इंटरक्शंस यस करेक्ट ये है हमारा आंसर एंड ही वॉज अ फाइन ह्यूमन बींग तो ये वैसे देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन होंगे लेकिन इसमें से बेस्ट सूट कौन सा करता है हमारे सेंटेंस को वो देखना इंपॉर्टेंट है तो बेस्ट सूट कौन सा करता है सी ऑप्शन ही डिस्प्लेड मॉडेस्टी इन हिज इंटरक्शंस ओके okay? मतलब उन्होंने जो उनके इंटरक्शन जो होते थे जो उनका कन्वर्जेशन होता था जो लोगों के साथ जो वो मिलते जुलते थे उनसे जब बातचीत करते थे वो कैसा था मॉडेस्टी के साथ था मॉडेस्टी मतलब मॉरल या गुड मैनर्स जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हो वैसा था ओके okay? Uh, जो कि बहुत ही अच्छा बिहेवियर था इसीलिए ही वॉज नोन फॉर हिज ह्यूमिलिटी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड बिलो अब क्या है इनएक्सप्लिकेबल मतलब क्या होता है इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है जो कि समझने में बहुत डिफिकल्ट है नॉट अंडरस्टूड इजिली मतलब इनएक् एक्सप्लीकेबल ओके तो इसका मीनिंग इनकॉम्प्री इनकॉम्प्रिहेंसीबल मतलब अब कॉम्प्रिहेंशन ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कॉम्प्रीहशन मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड करना रीडिंग yes, येहेंशन में हमने देखा मतलब क्या होता है जो होता है वो रीड करके अच्छे से समझना मतलब टू अंडरस्टैंड इट अब कॉम्प्रिहेंशन का अपोजिट क्या होगा इनकॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंसिबल का अपोजिट क्या होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल तो अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड नहीं करना तो अब इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इज़िली ओके okay? तो अब हमें करेक्ट आंसर क्या मिला अब इवन इफ यू डोंट नो अब दो आंसर्स तो नहीं हो सकते अगर आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग पता है तो डेफिनेटली क्रॉस चेक इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है या नहीं लेकिन अगर आपको इनके मीनिंग्स नहीं भी पता हो, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आपका आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है राइट आपका फर्स्ट जो आप कॉम्प्रिहेंसिबल तो आपको ऑलरेडी पता है हमने कितनी बार पूरा एक डेढ़ दो घंटे हमने दो तीन लेक्चर्स में डिस्कस किया है व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिबल तो अगर कॉम्प्रिहेंसिबल पता है तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल उसका अपोजिट होना चाहिए और हमें हमारे वर्ड का मीनिंग तो ऑलरेडी पता है दैट इज नॉट अंडरस्टूड इजिली तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा ऑब्वियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल ओके जो हम इजिली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते दैट इज इनकॉम्प्रीहेंसिबल तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिला नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट इज मोर नियरली अपोजिट इन मीनिंग अब स्टूडेंट्स फोकस कीजिए ओके okay, अपोजिट अब इसमें कन्फ्यूज मत होइए अभी तक हम क्या देख रहे थे सिमिलर मीनिंग देख रहे थे या जो हमारे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट होता है वो देख रहे थे अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है अपोजिट तो अपोजिट इन मीनिंग मतलब आपको क्या करना है उसका एंटोनिम फाइंड करना है यस सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंटोनिम्स तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है अब जो वर्ड हमारा दिया गया है वो क्या है अमालगमेट अब अमालगमेट मतलब क्या होता है सब कुछ मिक्स करना जब चीजें मिक्स होती हैं तो उनको अमालगमेट बोलते हैं बहुत चीजें एक साथ आती है और वो मिक्स हो जाती है एक दूसरे में ओके उसको अमालगमेट बोलते हैं तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है उसका अपोजिट फाइंड आउट करना है तो अमालगमेट का ये तो है सिमिलर वर्ड मोर्ज मतलब भी अमालगमेट हो सकता है लेकिन हमें यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ये आपको अपोजिट फाइंड करना है तो मोर्ज ये आंसर नहीं होगा स्प्लिट एक के दो टुकड़े होना मतलब स्प्लिट होता है मतलब ये भी नहीं है कलेक्ट करना नहीं है मतलब क्या हमारा आंसर क्या बचा सेपरेट मिक्स हो जाना मतलब अगर अमेल्गमेट होता है तो चीजें सेपरेट होना या सेपरेट करना मतलब ये उसका क्या हो गया अपोजिट वर्ड हो गया ओके सो दिस इज हाउ वी लुक दैट अवर क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ये तो सिमिलर क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स आप एक और चीज नोटिस कीजिए ये सारे क्वेश्चंस में हर साल अब आप फोकस भी कीजिए कि ये हम ईयर भी डिस्कस कर रहे कौन से ईयर में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे राइट तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक मतलब वो आपकी स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं राइट सो so, आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए फिर आप वो uh, आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये तो आपको ईजिली आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें आपको लॉजिकली थोड़ा सा थिंक करना है और आपको मीनिंग इसके पता करने हैं दैट्स इट सो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन योर ऑडियंस यू कैन नॉट डू सो बाई बी अंडरस्टेटेड टेंटिटिव और और आप क्या नहीं करोगे अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जमाना है आपके ऑडियंस के ऊपर तो अगर आप अंडर स्टेटेड होगे आप जो भी आपको बोलना है वो अगर आप ठीक से नहीं बोल पा रहे होगे तो आप स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं जमा सकते अगर आप टेंटिव होगे तो भी आप नहीं जमा सकते ओके okay? उसके बाद और क्या होगा हाइपरबेलिक हाइपरबेलिक मतलब बहुत एग्जैजरेट um, करके अगर आप बोलोगे चीजें जैसे अगर आपको एक या दो बताने और आप हजार बता रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरबेलिक ओके तो अगर आप वैसे भी कर रहे हो तो भी आप नहीं जमा सकते देन रिस्ट्रेंड आर्ग्यूमेंटेटिव और इनडिफरेंट इनडिफरेंट तो इसमें से कौन सा आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव होगे तो आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब आप झगड़ा कर रहे हो आपको जो बताना है तो अगर आप झगड़ा करोगे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कोई भी स्टार्ट कर दोगे आपके ऑडियंस ने अगर आपको कुछ तो कहा है और उसके अगेंस्ट अगर आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दोगे तो क्या आप इम्प्रेशन जमा पाओगे आपके ऑडियंस पे बिल्कुल नहीं अगर आप कभी कभी किसी किसी चीज़ में ऐसे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जरेट करके बताने की ज़रूरत होती है तो ये अगर आप करोगे तो कभी कभी हेल्प हो भी सकता है लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव होगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुली इम्प्रेशन नहीं जमा सकते आपके ऑडियंस पे राइट right? सो so आपका आंसर क्या होना चाहिए आर्ग्यूमेंटेटिव दिस इज योर आंसर अगर आप इनडिफरेंट इनडिफरेंट तो इंसान ने होना ही चाहिए अगर आप इनडिफरेंट नहीं रहोगे तो फिर um, कैसे काम चलेगा राइट सो so, इसीलिए और तो आप अगर आर्ग्यूमेंटेटिव लेकिन अगर आप होगे, तो आप कुछ नहीं मतलब फिर आप इम्प्रेशन नहीं जमा सकते आपके ऑडियंस के ऊपर So, this is a logical uh, based question. Hai. There is nothing much into it. You just have to know the proper meaning of the words. Then, choose the most appropriate alternative from the options given below and, uh, to complete the following sentence. So, Suresh's dog is the one dash, was hurt in the stampede. Okay, the so, stampede. तब स्टैम्पेड मतलब आ, होता है जो भी मतलब खड्डा या आ, कुछ भी ऐसा हो जहाँ से गिर सकता है इंसान या ऐसा जिसमें गिरता है उसे कहते हैं स्टैम्पेड तो सुरेश डॉग इज़ वन तब तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप अब दैट विच ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग के लिए मोस्टली यूज होता है अब हु और हुम ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है तो इसमें से आप हु यूज करोगे या हुम यूज करोगे अब हुम कब यूज होता है जिसको अगर आपको बोलना हो तो आप हुम यूज करोगे तो यहाँ पे जिसको नहीं बोलना है हमें तो सुरेश डॉग इज वन जो बोलना है हमें राइट तो जो जिसे हर्ट हुआ था स्टैम्पेड में जब वो गिरा था तो वो उसे हर्ट हुआ था तो हमारा आंसर क्या है सी दैट इज who वॉज हॉट जो हॉट हुआ था स्टैंपड में राइट गिर के ठीक है तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड आर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या कहता है Which वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड given below? बिलो अब मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है ओके okay? तो इसमें आपको करना क्या है क्लोजेस्ट इन मीनिंग क्लोजेस्ट इन मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड मतलब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है सिनोनिम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो जब भी आप सिनोनिम फाइंड आउट करना होता है तो आपको मीनिंग पता होना इंपॉर्टेंट है ही तो अब मिटिगेट का मीनिंग होता है छोटा बनना ओके? Okay? मतलब कुछ भी चीज या जब हम छोटे बनते हैं उसे कहते हैं बिकम स्मॉल टू बिकम स्मॉल मतलब क्या होता है मिट्टी गेट होता है अब मिट्टीगेट uh, जब आप कह रहे हो तो उसका करेक्ट मीनिंग अब डिनोट डिनोट का मतलब छोटा होना होता है नहीं होता डेडिकेट डेडिकेट मतलब किसी को तो वो चीज डेडिकेट कर तो अब हमें आ, क्या करना होता है मिटिगेट का मतलब होता है डिमिनिश ओके डिमिनिश मतलब बी टू बिकम स्मॉल टू बिकम स्मॉल टू बिकम टाइनी ओके तो मिटिगेट का मीनिंग हमें क्या पता चल गया एज डिमिनिश अब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कहता है सेम चीज करनी है यहां पे भी हमें हमें क्या करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ही चूज करना है तो कहाँ चूज करना है? वो देखते हैं। करनाटेड डैश सिंगापुर फॉर माई वेकेशन बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है अब यहाँ पे विजिट आई कंटेम्पलेटेड विजिट सिंगापुर फॉर माई वेकेशन बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट अब यहाँ पे विजिट का यहाँ पे वर्ड आपको ऑलरेडी विजिट दिया है अब इसका सिर्फ करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है तो कौन सा फिल करोगे तो आई कंटेम्पलेटेड टू विजिट सिंगापुर फॉर माई वेकेशन बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट नहीं हैविंग टू विजिट नहीं फिर विजिटिंग आई कंटेम्पलेटेड विजिटिंग विजिटिंग क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन यहाँ पे कंटेम्परेटेड विजिटिंग मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज हुआ है और फॉर अ विजिट नहीं होगा मतलब हमारा आंसर हमें क्या मिला एस सी सो नाव दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ग्रामर एज वेल एज वो कैबलरी ओके अब क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट मीनिंग अब देख सकते हैं स्टूडेंट बस दो तीन टाइप में ही ये क्वेश्चन पूछे गए लेकिन सब में करनी एक ही चीज़ है हमें क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड बिलो सर्किटियस अब सर्किटियस मतलब क्या होता है सर्किटियस मतलब होता है राउंड अबाउट हम बोलते हैं ना राउंड अबाउट इट विल चार्ज राउंड अबाउट फिफ्टी रूपीज इट राउंड अबाउट समथिंग समथिंग मतलब हम वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो चीज हम इनडायरेक्टली बोलते हैं राइट right? क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं होता इसीलिए हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं तो अब सर्किट इज राउंड अबाउट मतलब इनडायरेक्ट अब इनडिरेक्ट का कौन सा आ, यहाँ पे तो ऑलरेडी एज इट इज आपको वर्ड दिया गया है इनडिरेक्ट तो आपको आपका आंसर मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हर साल कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ ये एक टॉपिक पे ऊपर तो मतलब आपके एक दो या तीन मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स ए चूज अप्रोप्रिएट वर्ड या सिर्फ वो कैबुलरी ये टॉपिक पे राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर वर्बल एबिलिटी पार्ट सो so, uh, इसमें भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है सेंटेंस पढ़ते हैं इफ़ वी मैनेज टू डैश आवर नेचुरल रिसोर्सेस, वी वुड लीव अ बेटर प्लानट फॉर आर चिल्ड्रेन मतलब यहाँ पे क्या करना है इफ़ वी मैनेज टू अगर हम मैनेज करते हैं अगर हम क्या करना मैनेज करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम प्रिजर्व करना अगर हम मैनेज करते हैं तो क्या होगा हम हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन प्लानट उनके लिए दे सकते हैं उनके लिए छोड़ सकते हैं राइट तो यहाँ पे वी विल मैनेज टू अब प्रिजर्व इसका मतलब होता है कंजर्व मतलब ही प्रिजर्व होता है अपहोल्ड नहीं रिस्ट्रेन नहीं उसके बाद चेरिश नहीं अगर हम कंजर्व करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस तो क्या होगा हम हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लानट छोड़ के जा सकते हैं ओके सो दिस इज योर आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं क्या कहता है ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स शुड लर्न मैकेनिक्स मैथमेटिक्स एंड हाउ टू डू कंप्यूटेशन ओके अब विच ऑफ द अबाउ अंडरलाइंड पार्ट ऑफ देंटेंस इज नॉट अप्रोप्रिएट अब ये तीन आपको ये चार फिलिंग द ब्लैंक्स है मतलब ये ब्लैंक्स uh, दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको पहचानना है ना ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट करेक्ट है शुड लर्न मैथमेटिक्स ओके ये करेक्ट है मैकेनिक्स uh, करेक्ट है फिर मैथमेटिक्स एंड ये भी पार्ट करेक्ट है एंड हाउ टू डू कंप्यूटेशन ये जो पार्ट है ये आपका रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है क्योंकि हाउ टू डू कंप्यूटेशन अब हाउ टू डू जो है ये यहाँ पे पहले ही आ जाना चाहिए था या बाद में एंड के बाद नहीं लगा सकते सो दैट इज एरर यहाँ पे एरर करेक्शन टाइप का ये क्वेश्चन है तो इसीलिए ये आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते इसीलिए ये वाला जो लास्ट पार्ट जो है फोर्थ वन जो है वो आपका गलत है सेंटेंस फॉर्मेशन ओके इसीलिए हमारा आंसर लेकिन कौन सा करेक्ट है फोर्थ वन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं तो आ, इसमें भी चूज अप्रोप्रिएट वर्ड ही है सो हेज़ रादर कैजुअल रिमार्क्स ऑन पॉलिटिक्स डैश इज़ लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट द सब्जेक्ट तो वो क्या करता है कुछ बताता है हमें राइट right? सो so, आपको जब बता रहा है मतलब उसका कैजुअल रिमार्क ऑन पॉलिटिक्स मतलब उसने जो ऐसे ही जो रिमार्क दिया है पॉलिटिक्स के ऊपर बिना सोचे समझे कैजुअली uh, जो रिमार्क दिया है उससे क्या पता चलता है हिज उसका जो सीरियसनेस नहीं है उसमें ये हमें पता चलता है तो वो पता चलने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे बी ट्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू क्वेश्चन ट्वेंटी टू क्या कहता है वेन ही फेल डाउन द रिसीव्ड मैनी डैश बट लिटिल हेल्प अब ये हमने कल भी डिस्कस किया था कल मैंने आपको बताया था अगर आप गलत जगह पे गलत स्पेलिंग यूज करोगे तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है तो यहाँ पे सेम होने वाला है आप यहाँ पे एक स्टेर्स, दोनों स्टेयर्स वर्ड प्रनाउंसिएशन दोनों का स्टेयर्स ही है लेकिन ये मीनिंग इनका डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं जैसे वेन ही फेल डाउन द अगर गिर गया है तो वो कहाँ से गिरेगा ऑब्वियसली स्टेयर्स पे से मतलब कौन सा स्टेर आएगा एस टी ए आर ए आई आर ई एस ये स्टेयर आएगा शी रिसीव मतलब वो गिर गई है सो शी रिसीव्ड मैनी स्टेयर्स तो यहाँ स्टेयर्स मतलब बहुत लोगों ने उसको घूरा वो स्टेयर से बिचारी गिर गई तो उसको बहुत लोगों ने सिर्फ घूरा और बहुत कम लोगों ने उसको हेल्प की ठीक है तो अब ये स्टेयर्स और ये स्टेयर्स मतलब फर्स्ट ब्लैंक हमारा स्टेयर्स है और सेकंड ब्लैंक हमारा ये वाला स्टेयर्स है ओके तो हमें हमारा आंसर क्या मिला एज आंसर होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में आपको अब करना क्या है सेम चीज करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स ही है ये डिस्पाइट सेवरल डैश द मिशन सक्सीडेड इन इट्स अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अब बहुत कठिनाइयों के बाद मतलब बहुत सारी अटैम्प्ट भी बोल सकते हैं सेटबैक्स भी बोल सकते हैं मीटिंग्स या डेलीगेशंस अब वैसे देखा जाए तो ये चारों वर्ड्स करेक्ट हैं लेकिन अब इसमें बेस्ट कौन सा वर्ड यहाँ पे आपके जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से कौन सा वर्ड बेस्ट सूट होता है वो हमें पहचानना है नाउ दिस इज लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन अब आपको इसमें क्या करना है आपको देखना है मतलब बहुत सारी सेटबैक्स की वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आई जैसे अब हमारे लेक्चर में भी आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई कितनी बार नेटवर्क इशू हुआ कितनी बार स्क्रीन नहीं दिख रही थी प्रॉपरली प्रो, आवाज नहीं आ रही थी वीडियो क्लियर नहीं था राइट सो दैट वाज डिस्पाइट सेवरल तो उसको क्या कहते हैं उसको सेटबैक्स बोलते हैं सेटबैक्स द मिशन सक्सीडेड इन इट्स अटेम्प्ट टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है कुछ तो झगड़ा हो रहा था तो वो झगड़ा रिजोल्व हो गया बहुत सारे सेटबैक्स के बाद ठीक है बहुत सारे सेटबैक्स होने के बावजूद भी ठीक है तो इस तरह से आपको आपका आंसर क्या मिला एज सेटबैक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नाउ सो द बुद्धा सेड होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रासपिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग टैट सामवन एल्स यू आर द वन हु गेट्स बर्ड मतलब इस अब ये सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करना है Uh, ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसका करेक्ट मीनिंग आपको आपके ऑप्शंस में से ढूंढना है लेकिन आप कैसे ढूंढ पाओगे पहले आप uh, जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग समझते हैं तो बुद्धा क्या कहते हैं होल्डिंग ऑन टू एंगर मतलब गुस्सा अपने दिल में रखना कैसे किस बराबर होता है ग्रास्पिंग अ हॉट कोल ग्रास्पिंग मतलब पकड़ना ओके okay? तो पकड़ना क्या पकड़ना कोयला जो होता है ना को, गरम कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा होता है जिसका रिजल्ट क्या आएगा कि आप आपका खुद का ही हाथ जलेगा यू विल गेट बर्न आपका खुद का ही हाथ जलेगा उससे मतलब अगर आप गुस्सा आपके दिल में रखते हो तो उससे क्या होगा आपको ही तकलीफ होगी किसी और का कुछ तकलीफ नहीं होने वाली ओके okay? तो अब इसमें आपको ग्रास्पिंग ये जो वर्ड है इसका मीनिंग पता लगाना है ग्रास्पिंग मतलब कुछ भी चीज होल्ड करके रखना आपके हाथ में पकड़ना ओके तो वो मतलब क्या होता है अब क्लचिंग ओके क्लच करना मतलब आपकी मुट्ठी में जकड़ के पकड़ के रखना मतलब ग्रास्पिंग होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है क्लचिंग ओके होल्डिंग Means clutching. Okay? So that was for 24 question. Up question number 25 So this a student is required to demonstrate a high level of comprehension of the subject, is especially in the social sciences. The word closest in the meaning of the meaning to comprehension is. अब आपको तो पता ही है कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है अंडरस्टैंडिंग ओके सो आपका आंसर क्या है अंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा सोचने समझने वाली कुछ बात ही नहीं है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अब डैश वॉज हिज एबिलिटी टू फगीव वन ऑफ हिज बिगेस्ट डैश वॉज हिज एबिलिटी टू फगीव अब उसका क्या है उसकी क्षमता है फगिव करना माफ कर देना तो वो उसकी क्या है स्ट्रेंथ है ना वो उसकी क्या है स्ट्रेंथ है किसी को माफ कर देना ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रेस डैश her so well that they all immediately dash her on her appearance ठीक है अब इसमें भी जैसे हमने stairs वाला question देखा था same question है ये भी इसमें आपको क्या करना है दो words है तो फर्स्ट वर्ड का क्या है द ड्रेस डैश हर सो वेल ओके मतलब अब फर्स्ट का आपको क्या वाला पहचानना है कॉम्प्लीमेंटेड मतलब जचना ठीक है मतलब वो जो ड्रेस था वो उस पर जच रहा था इसीलिए लोगों ने उसको क्या किया कॉम्प्लीमेंट किया कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ की ठीक है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड मतलब जचना और कॉम्प्लीमेंटेड मतलब तारीफ करना अब ये किस में आता है ऑप्शन नंबर डी में ये दो वर्ड्स है इस सीक्वेंस में ठीक है अब स्टूडेंट सीक्वेंस भी आपको करेक्ट होना चाहिए अगर आप सेकंड वाला अ, नहीं हाँ अगर आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि फिर फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा कॉम्प्लीमेंटेड और सेकेंड ब्लैंक में कॉम्प्लीमेंटेड ठीक है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा आपको सीक्वेंस सही से पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए किस में ये दो वर्ड्स पर्टिकुलरली दिए हैं और फिर ही सिलेक्ट कीजिए ठीक है एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है द जज स्टैंडिंग इन द लीगल कम्युनिटी दो शेकन बाई फॉल्स एलिगेशन ऑफ रॉंग डूइंग रिमेन्ड डैश अ फिलिंग द ब्लैंक है ये ठीक है तो वो क्या हुए अनडिमिनिश्ड वो बहुत अनडिमिनिश मतलब वो बहुत बड़े ठहरा गए मतलब वो बहुत महान बन गए ठीक है तो ये अनडिमिनिश्ड का मीनिंग होता है तो ये वर्ड यहाँ पे फिल हो जाएगा तो दिस वॉज ऑल अबाउट वो कैबलरी क्वेश्चन एंड आंसर्स अब हमने क्या किया हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज किया और हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने एनालाइज किए और हमने हर एक टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस किया अब आई डोंट सो नाउ लेट मी नो दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ नाउ एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग आप लोगों को बहुत मतलब आ, एक मैं टिप देना चाहूँगी आपको कि बिल्कुल भी स्ट्रेस मत होइए। ये, ये आ, वर्बल एबिलिटी इसीलिए डिज़ाइन क्या किया गया है ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर ला सके आपका ओवरऑल जो पेपर एग्ज़ाम का स्कोर है वो इंक्रीज हो सके क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसीलिए जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिक बेस्ड रखा गया होता है ताकि उसमें आप ईजिली स्कोर कर पाए ओके okay? इसीलिए बहुत टेंशन मत लीजिए स्ट्रेस मत लीजिए ये टॉपिक्स का या ये पूरे सेक्शन uh, का दिस इज स्कोरिंग और इसका अच्छे से बस गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक और क्वेश्चन बेसिकली बहुत अच्छे से समझिए अगर आप क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझेंगे तो आप गलत आंसर टिक करके आपका मार्क्स uh, आपकी गवा सकते हैं सो डोंट डू दैट अच्छे से क्वेश्चन एनालाइज कीजिए ऑप्शंस ठीक से पढ़िए और टेंशन बिना टेंशन के शांति से टेक अ डीप ब्रेथ देन लुक एट द क्वेश्चन एनालाइज इट गिव अ टू थ्री सेकंड्स ऑफ टाइम सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए और फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए ठीक है तो पहली पहला ही जो सेक्शन होगा आपका वही आपका इंग्लिश रिलेटेड या वर्बल एबिलिटी रिलेटेड जो um, उसको कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड में ये आएगा तो स्टार्ट ही आपका इंग्लिश से होगा तो बिना टेंशन के अच्छे से दो मिनट आंखें बंद कीजिए अच्छे से um, खुद को बताइए कि मुझे सब आता है और मैं अच्छे से सबके आंसर्स दूंगा या दूंगी और फिर स्टार्ट कीजिए आपके एग्जाम को ओके दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स सो नाउ वी आर लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स